आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि यार आज हम जाने वाले हैं कोटाबाग। मतलब आपको भी ऐसे नहीं समझ आएगा, उसका नाम है गीजर ग्रीन रिजॉर्ट। तो आपको मैं वहाँ जाकर दिखाती हूँ, तब तक गाड़ी में कुछ सामान डालते हैं, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। और आप सोचो यार ये वाली गाड़ी कैसे आ गई मेरे पास। तो भाई ये वाली गाड़ी का व्लॉग मेरे पास है, मैं डाल दूँगा जल्दी जल्दी से। बूट खोलते हैं और डालते हैं वाला सामान। भाई अभी देखो यार इतना लंबा जाम लगा हुआ है सिर्फ टोल के लिए। देखो यार इतना लंबा जाम लगा हुआ है ये। हमने छोटा सा ब्रेक लिया था, मैंने अपने लिए शिकंजी लिया है और बाकी थोड़ा सा वो अंदर खाना वाना चल रहा है, तो फटाफट ये पी के निकलते हैं फिर जहाँ के लिए। वो मैं आपको कोटा आ गए आप समझ ही नहीं पाओगे, मैं आपको वही पहुँच कर दिखाता हूँ। बाय। सारी गाड़ियाँ करी एक, ये दो और ये तीन और पीछे चार, चारों यार अपनी गाड़ियाँ खड़ी हैं। तो यार इस बार ये वाली रोड ट्रिप पर बहुत मज़ा आने वाला है। हाँ भाई यार सीन कुछ ऐसा है, अभी मतलब हम थोड़ा सा दूर है, मतलब अभी दो घंटे का रास्ता आपको दिखाता हूँ। तो देख सकते हो अभी यार अभी पूरा दो घंटे का दिखा रहा है। सजना जी मैनू छड़ के नहीं जाना कदी, झूठे वादे सही दिल से नहीं मान। भाई यार अभी हम अपने डेस्टिनेशन से कुछ दो घंटा दूर हैं, दो घंटा तीन घंटा मान के चलो अभी, क्योंकि अभी हम बीच में भी रुके थे चाय पानी के लिए। तो अब मैं आपको वहाँ पे थोड़े से शॉर्ट्स देता हूँ, फिर मैं आपको वहाँ पे सीधे पहुँच लेता हूँ। बाय। यार ये देखो यार एकदम से कितना जाम लग गया यार यहाँ पे, ये कुछ 11 या 12 मिनट का जाम दिखा रहा है और अभी पहले तो 22 मिनट का दिखा रहा था, तो मैंने अभी रिकॉर्ड करा तो इतना दिखा रहा है, तो बहुत ही लंबा जाम है। आपका ये उपकार जिंदगी भर याद रहेगा मुझे। Trying to have
जो तेरी बातों पे बातें बगाए ना। ओरे भागे भागे रे मनवा माने ना माने जो तेरी यादें सो यादें सताए ना। खामोशी सहना ये नहीं जरूरे, खामोशी सहना ये नहीं जरूरे। तो यार व्यू देखो आप, कितना मस्त लग रहा है यार ये जगह भाई। तुम व्यू देखो बस, मस्त है ना। तो यस गाइस, फाइनली आपके सामने पेश है गजारी ग्रीन्स रिजॉर्ट। ये देखिए इतना बढ़िया रिजॉर्ट है, मैं आपको इसकी पूरी दिखाता हूँ। ये देखिए भाई, ये कितना बढ़िया रिजॉर्ट है। इवन पूल नीचे यहाँ पे टीटी है, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। टीटी और वो है खाना, डाइनिंग टेबल, बहुत सारी गेम्स है यहाँ पर। ये आपका पूल हो गया, वहाँ पे आपका थोड़ा चिलिंग का एरिया हो गया। और बताओ, ये आपके सारे कॉटेजेस हैं, ठीक है भाई। और क्या ही चाहिए ऐसे हैं, और क्या ही चाहिए ऐसे। तो देखो भाई पूल भी कितना साफ है, पूल देखो यार कितना साफ है, सब कुछ ओके है भाई यहाँ पे सब कुछ। और क्या चाहिए, क्या चाहिए बताओ तो। हाँ भाई सारी तैयारी हो गई है, बस अब पूल में आपको मैं दिखाता हूँ कितना मजा आता है। यहाँ पे स्पीकर लगाए, कोई मिल रहा है स्पीकर, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे गाइस स्पीकर भी होगा, तो वहाँ पर स्पीकर और यहाँ पे हम पूल के अंदर, तो वो सब कुछ दिखाने के लिए हम बहुत एक्साइटेड हूँ। तो हम मिलते हैं एक अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।